आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम के रिगार्डिंग टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। बस इतना कर लो, 70% मार्क्स पक्का है ये टॉप 30 क्वेश्चंस ही। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड फार्मेसी, दिस इज राकेश। अभी तक आपने मेड फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस वेरियस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटेड ये क्वेश्चन आएगा ही। फिर डिफाइन बोल रहा है आपको डिजीज एजेंट इन लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज एजेंट्स। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट द इंडिकेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रेजुग्नेशन, CPR जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट एड के बारे में भी है ये, CPR कैसे करते हैं। फिर थर्ड ही क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर बी, क्लासीफाई बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ड्रॉ द लेबल डायोग्राम ऑफ बैक्टीरिया से। ये जो डायोग्राम बनाने वाला ये डेफिनेटली आएगा, 100% गारंटेड है ये क्वेश्चन, इसको देख लेना। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड एंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड फॉर अ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में, इसे देख ही लेना तुम लोग। फिर है हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ को भी देख के जाना। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी फोर, जिसमें से मुझे इंपॉर्टेंट लगा IUDS, इसे भी देख लेना, IUDS के बारे में सिर्फ, ज़्यादा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, हेल्थ डिजीज वाला आएगा ही। फिर राइट अ नोट ऑन एयर एंड वाटर पोल्यूशन देख लेना फिर। और फिर बोल रहा है ओके, ब्रीफ डिस्कस एंड द मैथड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम जो गंदा पानी है उसे कैसे हम साफ कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं। फिर बोल रहा है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एड वाला तो आता है ये क्वेश्चन, फर्स्ट एड में है आपका पॉइजनिंग एंड कॉमन हार्ट डिजीज को कैसे हम मैनेज करें। फिर नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर, डिफाइन क्लासीफाई माइक्रोब्स भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही माइक्रोब्स से, आइसोलेशन एंड स्टेनिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना तुम लोग। और फिर बोल रहा है डिस्कस द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ अ फैमिली प्लानिंग, बोला ही था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला आएगा ही फैमिली प्लानिंग से। फिर बोल रहा है डिस्कस द रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आप मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं तो आप कैसे मतलब मैनेज करिएगा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, या फिर राइट द रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट इन द फैमिली प्लानिंग को आप कैसे मैनेज करिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्जुगेटिव एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ टू ऑफ द डिजीज, किसी दो को लिखना है, ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया साइफिलिस एड्स लिप्रोसी और हेपेटाइटिस और टाइफाइड, इन सब में से किसी एक पे आप देख लेना। फिर नेक्स्ट बोल रहा है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ एंड डिस्कस इंडिकेटर, ये तो फिर से रिपीटेड हो गया। फिर बोल रहा है आपका क्लासीफाई एंड डिस्कस द डिजीज इंड्यूस्ड डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशिएंसी कौन कौन सा रोग होता है ये भी देख लेना। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ अ फैमिली प्लानिंग, फिर से आ गया फैमिली प्लानिंग, इसमें हार्मोनल वाला है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्कस कॉन्जुगेटिव एजेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देख लेना कैसे फैलता है, क्या है बीमारी, ये 13 और 14 नंबर हो गया। फिर हमारा 15th और 16th है, 15th नंबर में बोल रहा है व्हाट इज डिसइंफेक्शन देख लेना, और इसमें जो बोल रहा था डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होता है इसका, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर ऑफ डेड बॉडीज इंस्ट्रूमेंट एंड सेप्टम के बारे में। फिर बोल रहा है कॉन्जुगेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ये है जो हमारा मीजल्स पोलीमेलाइटिस फिलेरियसिस बॉपिंग कफ को हम लोग पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, रेबीज टेटनस डेफ्थेरिया डायबिटीज मेलाइटस। फिर है हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल, ये भी देख के जाना आप लोग। फिर नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप देख लेना, मैंने सारे कर दिए यहाँ पे, स्नेक बाइट बर्न्स शॉक एंड पॉइजनिंग वाला भी, और CPR भी देख के जाना। फिर है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, क्लासीफाई इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन को देख के जाना आप लोग, क्लासीफाई करना है। फिर है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा डिस्कस डिजीज इंड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल प्रोटीन एंड विटामिन, प्रोटीन मिनरल और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में आप देख के जाना, आपको लिखना पड़ेगा। डेमोग्राफी मैंने फिर से बताया था, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में देख लेना। 20 नंबर कंप्लीट हो गया हमारा, 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरटेंशन आप लोग देख के जाइएगा, हाइपरटेंशन क्या है जिसे हम हाई BP बोलते हैं, ये भी इसके पैथोजेनोसिस लिखने पड़ेंगे और कंट्रोल। फिर है हमारा हाउ वाटर एसोसिएटेड विथ योर
हेल्थ, वाटर कैसे आप एसोसिएटेड आपके हेल्थ से, एक्सप्लेन वाटर बॉर्न डिजीज, ये भी देख लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन COVID-19, अभी COVID-19 से हम लोग निकले हैं तो COVID-19 पे भी देख लेना क्या है। और फिर राइट अ डिफाइन पेंडेमिक, पेंडेमिक के बारे में, एपिडेमिक तो पूछ चुका है तो पेंडेमिक ही नहीं पूछ रखा था तो पेंडेमिक देख लेते हैं, क्योंकि COVID-19 में हम लोग पेंडेमिक से ही गुजरे हैं। फिर राइट द कॉजेज एंड नेम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी को भी देख लेना, इससे कौन कौन से रोग होते हैं जैसे एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया, इन सब को भी देख के जाइएगा आप लोग, और इसके कॉजेटिव एजेंट्स भी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सारे भाई लोग हमारे इससे बेनिफिट कर सकें या बेनिफिट हो सकें। सो थैंक यू।